दोस्तों आज मैं आपको सूजी का इतना सुपर स्वादिष्ट ढोकला बनाना बताऊंगी, इस तरीके से आपने आज से पहले कभी भी नहीं बनाया होगा। बिना कोई झंझट बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, उसके बाद ही इस ढोकले को बना के तैयार कीजिएगा। यकीन मानिए, बिना फेटे हुए, बिना कोई भी मेहनत किए हुए ये ढोकला इतना ज़्यादा जालीदार और स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। आप इस तरीके से आज से पहले कभी भी नहीं बनाए होंगे, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद ही इस रेसिपी को बनाइएगा। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे ले ली हूँ 2 कप के करीब सूजी, ये थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्ची ले ली हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, 2 हरी मिर्ची ली हूँ और इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा अदरक। तो सबसे पहले हरी मिर्ची को कट कर लेना है छोटे छोटे टुकड़े में। देखिए जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आप भी बनाइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे हरी मिर्ची कट कर ली हूँ, अब अदरक को भी कट करके इसमें डालूँगी छोटे छोटे टुकड़ों में। मैं जितना बना रही हूँ उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लिया है हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा। आप जितना लेंगे उसके हिसाब से आप ले लीजिएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है कोई भी एक मिक्सी का जार, आप छोटा बड़ा जैसा आपके पास हो आप ले सकते हैं। इसमें डाल देना है अदरक के टुकड़े को और मिर्ची को, जिसे अभी हम लोग काट के रखे थे। अब क्या करना है, इसके ऊपर ढक्कन लगा के अच्छे तरीके से इसे पीस के तैयार कर लेना है, बिल्कुल दरदरा तैयार करना है। देखिए इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे डाल रही हूँ 1 कप के करीब दही। तो छोटे वाले कप से मैं यहाँ पे 1 कप के करीब दही ली हूँ और इसमें डाल दी हूँ। इससे क्या होता है, ढोकला में बहुत अच्छा स्वाद आता है और स्पॉन्जी भी बनने में ये मदद करता है। तो यहाँ पर डाल दी हूँ 1 कप के करीब दही, और क्या करना है, इसमें डाल देना है थोड़ा सा चीनी। तो चीनी यहाँ पे मैं 1 चम्मच के करीब ली हूँ, 1 से 2 चम्मच। अब इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन और इसे पीस के तैयार कर लेना है। इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिएगा और इसे पीस के अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे पीस के लेके आ गई हूँ इसे, और कितने अच्छे तरीके से पीस के तैयार हुआ है हर एक चीज़ इसके साथ। तो देखिए अब क्या करना है, सूजी को जो मैं शुरू में आपको दिखाई थी, तो यहाँ पे उसे भी इसमें डालना है। तो उसके पहले यहाँ पे डाल देना है 1 कप के करीब पानी, और इसके बाद इसमें डाल देना है सारे सूजी को। तो सूजी को अच्छे तरीके से छान के ले लीजिएगा, इसमें कुछ भी रहना नहीं चाहिए, और इसे इसमें डाल देना है। तो देखिए इसे डालने के बाद में एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए चम्मच की मदद से, ताकि कोई भी गांठ गुठली ना रहे। फिर से वापस मैं 1/2 कप के करीब पानी डाली हूँ। तो सारा कुछ ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही बनाइएगा। शुरू में भी आपको बहुत कुछ बताई हूँ, तो वीडियो पूरा देखने के बाद ही कोई रेसिपी को बनाया कीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी और डाल दी हूँ, 2 कप के करीब पानी का यूज़ की हूँ मैं। 1 कप दही था और सूजी था हमारा, उसी वाले कप से सूजी में ली हूँ करीब 3 कप के करीब। अब यहाँ पे इसे फिर से पीस के तैयार कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे पीस के तैयार हो चुका है, और देख पा रहे होंगे कितना अच्छा तरीके से ये बारीक हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप की ही होनी चाहिए। अब इसमें डाल दूँगी मैं 2 चम्मच के करीब बेसन। तो बिल्कुल सीक्रेट सी रेसिपी है, आप इसमें 2 चम्मच बेसन डालते हैं तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, और इंस्टेंट ये बनके भी तैयार हो जाता है। मात्र 5 मिनट में सुपर सॉफ्ट जालीदार ढोकला बनके तैयार होता है। अब यहाँ पे इसे भी पीस के तैयार कर ली हूँ, और देख पा रहे होंगे इसका कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है, और हर एक चीज़ आपस में पीस के भी तैयार हो गया है। अब यहाँ पर कोई भी एक कटोरी ले लेना है, कटोरी में डाल देना है सारे पीसे हुए बैटर को। देख पा रहे होंगे ना तो ज़्यादा मोटा है ना ही ज़्यादा पतला है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ अच्छे से, तब तक आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट ज़रूर कीजिएगा,
तो देखिए, देख पा रहे होंगे इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप की ही होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा मोटा होना चाहिए। जैसा मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आप भी बनाइएगा। मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए कोई नया रेसिपी लेकर के आती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अब इसे ढक के छोड़ दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, सूजी फूल के तैयार हो जाएगा। तो देखिए अभी करीब 20 मिनट हो चुका है और देख पा रहे होंगे सूजी काफ़ी अच्छे तरीके से फूल के तैयार हो गया है। अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप इसे 5 मिनट ही छोड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्वाद बिल्कुल अच्छा आता है। फूलने छोड़ने से क्या होता है, जाली काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी 1 चम्मच के करीब वेजिटेबल ऑयल, जिसे हम लोग रिफाइंड तेल भी बोलते हैं, तो यहाँ पे 1 चम्मच के करीब इसमें डाल दी हूँ। इससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और खाने में इसका सॉफ्टनेस पता चलेगा। तो इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है सारे बैटर में। देख पा रहे होंगे थोड़ा सा मिक्स करने में आपको लगेगा कि तेल इधर उधर हो रहा है, लेकिन आप 2-3 बार इस तरीके से मिक्स कीजिएगा जैसे मैं बता रही हूँ, तो ये काफ़ी ईजिली मिक्स हो जाएगा। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे इसे मिक्स करके तैयार कर ली हूँ। अब यहाँ पे मैं ले ली हूँ कोई भी एक थाली, आप कोई भी थाली लीजिएगा जिसका किनारा कुछ इस तरीके से होना चाहिए ताकि जब भी हम लोग इसमें बैटर डालें तो वो गिरे ना नीचे। तो देखिए कुछ इस तरीके का चौड़ा किनारे वाला आपको थाली ले लेना है। उसके बाद इसमें अच्छे तरीके से तेल लगा के ग्रीस कर लेना है, थोड़ा सा तेल लगा के ग्रीस कीजिएगा। अब इसमें डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा वाइट वाला तेल, इससे क्या होता है बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन से भी भरपूर ये नाश्ता बन के तैयार होता है, और तेल में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं तो उसका मात्रा भी हमारे शरीर में मिल जाता है। तो देखिए अब क्या करना है, इसमें डालना है हमें ईनो, तो कोई भी आप छोटा सा पैकेट ले सकते हैं, और अगर आप डब्बे वाला इनो ले रहे हैं तो उसमें से भी आपको कुछ इतना हिस्सा डालना है। तो थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब इसमें इनो डाल दे रही हूँ, और इसमें आपको डालना है थोड़ा सा पानी। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी इसके ऊपर डाल देना है, जहाँ पर इनो डालिएगा वहीं पर आपको जस्ट उसके ऊपर पानी डालना है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो देखिए इनो जैसे जैसे एक्टिव हो रहा है तो यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से मिल जाएगा। इनो को कुछ सेकंड में एक्टिवेट होने में लगता है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात का। अब इसे एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी सारे के साथ, और अब क्या करना है, उसी वाले थाली में आपको बिल्कुल सेंटर में से पोर करना है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में डालिएगा, और इसे एक बार क्या करना है आपको, अच्छे तरीके से टैप कर देना है। इससे क्या होगा, कुछ भी अगर अंदर में एयर होगा तो वो ईजिली निकल जाएगा। अब यहाँ पे ले ली हूँ एक कढ़ाई, कढ़ाई में थोड़ा सा डाल दी थी पानी, और एक स्टैंड, तो स्टैंड आप कोई भी ले सकते हैं, केक बनाने वाला स्टैंड जो आता है वो यहाँ पे ले ली हूँ, और अब इसके बीच में इसे डाल देना है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से डालिएगा, किसी साइड से पतला मोटा नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अब इसे हमें 20 मिनट के लिए इसी तरीके से पकने देना है। तो यहाँ पे मैंने कांच के लीड का इस्तेमाल किया है, तो मैं देख पाऊँगी कि ये कब पक गया। आप अगर कोई भी ढकने वाला ले रहे हैं तो आप थोड़े देर पे 20 मिनट के बाद खोल के एक बार चेक कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये 20 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये फूल के तैयार हो गया है, और देख पा रहे होंगे मैं कितना कम डाली थी और कितने अच्छे तरीके से ये बैटर जो है वो फूल गया है इसके साथ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं कोई भी कांटा का चम्मच ली हूँ और इससे इसे देख ले रही हूँ कि इसमें कुछ भी लगना नहीं चाहिए जब भी हम इसमें डालें। तो अब इसे थोड़ी देर के बाद 5 मिनट के बाद मैं अच्छे तरीके से ठंडा कर ली हूँ। अब इसके किनारों को अच्छे तरीके से हमें निकाल लेना है। देखिए बस हल्का हल्का ही टच कीजिएगा, उसके बाद में इसे अपने मन चाहे शेप में कट कर लीजिए। अगर आप इसे चाहें बर्फ़ी डिज़ाइन में कट करना तो आप उस तरीके से कट करें, नहीं तो आप इस तरीके से भी कट कर सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों।
अब देखिए यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में से कट कर ली हूँ और चाकू में कुछ भी नहीं लगा है। देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से ढोकला पक चुका था। अब इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी इसी तरीके से। यहाँ पे तड़का लगाने के लिए ले ली हूँ कुछ चीज़ें, जिसे आप ध्यान से देख लें। थोड़ा सा सरसों ली हूँ, थोड़ा सा करी पत्ता, हरी मिर्च और आधा नींबू। अब यहाँ पे थोड़ा सा तेल को गर्म कर लेना है, तेल का थोड़ा ही इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप लोग तड़का लगाना चाहें तो लगाइए, नहीं तो मत लगाइएगा। तड़का लगाने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो देखिए थोड़ा सा हरी मिर्च डाल दी हूँ, थोड़ा सा करी पत्ता डाल दी हूँ और इसे अच्छे तरीके से चटकने देना है। तो देखिए हर एक चीज़ अच्छे तरीके से पक चुका है। मिर्ची का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाने दीजिएगा। यहाँ पे आप हल्का सा कश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डाल देना है 1 चम्मच के करीब चीनी और इसमें डाल देना है थोड़ा सा पानी। तो देखिए थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा पानी डाली हूँ। उसके बाद इसमें डालना है आपको नींबू, आधा नींबू का यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं। तो नींबू डालिएगा, जब गैस को बंद कर दीजिएगा उसके बाद ही। अब इसमें थोड़ा सा डाल दी हूँ नमक। हर चीज़ ध्यान से देख के, पूरा वीडियो ध्यान से देखने के बाद ही बनाइएगा, तभी जाके आपका ये जो सुपर सॉफ्ट ढोकले की रेसिपी है वो परफेक्ट बन के तैयार होगी। अब इसके ऊपर डाल देना है सारे तड़के को, देखिए इस तरीके से। एक बार आप मेरे तरीके से बना के देखिए, सारे पुराने तरीके आप भूल जाएंगे और जहाँ जहाँ पे कट लगाई थी वहाँ पे अच्छे से तरीके से मैं डाल रही हूँ ताकि अंदर तक इसका स्वाद चला जाए। तो देखिए यहाँ पे सारे पे डाल के तैयार कर ली हूँ और कटिंग तो मैंने पहले से ही कर रखा था इसका। उसके बाद देखिए मैं आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ। इस तरीके से मैं सारे ढोकले को निकाल के तैयार कर लूँगी। देखिए कितना सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी ढोकला बन के तैयार हुआ है। इसका जाली आप देख पा रहे होंगे, देखिए कितने अच्छे तरीके से ये दब रहा है और कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे कुछ मेहनतों से ही ढेर सारा नाश्ता सुपर स्वादिष्ट बन के तैयार हो चुका है। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे बन के तैयार है सुपर सॉफ्ट ढोकला। एक बार बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। इसका जाली देख पा रहे होंगे कितना बेहतरीन बन के तैयार हुआ है। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के लिए। दोस्तों कुछ नया लेकर के आऊँगी, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।